प्रातः क्लास चल रहा था 1964 शनिवार और चौथे पेज की मध्यांत में बात चल रही थी बहुत अच्छे अच्छे बच्चे हैं जिनमें फजीलत नहीं रही है अपन को मियां मिट्ठू ही समझते रहते हैं बाप भूल दिखलावे तो भी नहीं समझते तो देखो वो भी तो चढ़ जाता है ना क्या चढ़ जाता है, है? पाप चढ़ जाता है फिर बाप कहते हैं पुण्य आत्मा बनना है ना पाप करते हो तो क्षमा ले लो नहीं तो मल्टीप्लिकेशन बढ़ती होती मल्टीप्लिकेशन होती जाएगी और फिर होती भी रहती है इसलिए बाबा कहते हैं एक तो बुद्धि का योग बाप के साथ बिल्कुल अच्छा चाहिए मुरली चलाने वाले भाषण करने वाले कोई कम है क्या बहुत अच्छे अच्छे भाषण करते हैं परंतु ऐसे भी तो नहीं है कि कोई संपूर्ण या परिपूर्ण बन गया है हम अंत तक गिरते संभलते रहेंगे अंत तक माने कब तक है किस बात के अंत तक जब तक हमारे विकर्म भस्म नहीं हो जाती अंत तक गिरते संभलते रहेंगे समझो किन से भी भूल होती है ये तो झट कहेंगे बाबा मेरे इससे भूल हो गई आप क्षमा करो और क्षमा तो सब मांगते ही रहते हैं बाप से क्षमा कहते रहते किरेन दिल हमको क्षमा करो मेरे से पाप हो गया है 1964 की वाणी का पांचवा पेज सारा दिन भक्ति मार्ग में क्षमा क्षमा करते ही रहते हैं क्षमा करो बाबा हमारे से पाप बहुत होते हैं किसको कहते हैं क्षमा करो बाप को कहते हैं कि बाबा क्षमा करो क्या क्षमा करो क्षमा करो कि फिर धर्मराज द्वारा दंड नहीं दिलाना आई बेग योर पार्डन अभी हम क्षमा चाहते हैं तो इसलिए खबरदारी बहुत चाहिए ये मत कोई समझे कि हम कोई चोला कला संपूर्ण बन गए हैं नहीं मीठे बच्चे अभी तो टाइम है
क्योंकि ये भी तो खुद कहते हैं ना कि बहुत भूलें होती हैं। बच्चे आकर के रिपोर्ट करते हैं, बाबा हमको सपना लगा था। तो देखो गिरने की कितनी बातें हैं, स्वप्न आते हैं, फलाना आते हैं, बैठे बैठे आपको याद करते हैं तो मुझे याद नहीं आती है। बाबा जो कभी भी हमको अशुद्ध सपने नहीं आए, अभी वो भी आते रहते हैं। तो बच्चों को कह देता हूँ, सबसे नंबर वन मैं हूँ। क्योंकि तूफान के आगे नंबर वन ये है। क्या मतलब हुआ? बच्चों को कह देता हूँ, सबसे नंबर वन मैं हूँ। किस बात में? कौन सी बात चल रही थी? है? बात चल रही थी सपने की। अशुद्ध सपने आते रहते हैं। इस बात में सबसे नंबर वन मैं हूँ किसने बोला? है? है? ब्रह्मा बाबा को सबसे नंबर वन मैं हूँ माने किसको सपने नहीं आते हैं? कौन सी आत्मा होगी? राम वाली आत्मा को सपने नहीं आते, वो तो सबका बीज है, उसको क्यों नहीं आएंगे? बाबा ने तो बोला है दुनिया की ऐसी कोई बात नहीं जो तेरे पर लागू ना होती हो, तो उसे क्यों नहीं सपने आएंगे? तो ये किसने बोला कि बच्चों को कह देता हूँ सबसे नंबर वन मैं हूँ? माना मुझे कोई सपने अपने नहीं आते, क्यों? है? हाँ, उसे सपने इसलिए नहीं आते कि वो तो असोचता है। जब संकल्प ही नहीं करता तो संकल्प के आधार पर सपने भी आते हैं। वो करता है कि अकरता है? वो तो अकरता है। तूफान के आगे नंबर वन ये है। कौन? कोई तूफान आते हैं तो तूफान के आगे नंबर वन ये है। कौन? रामवाली आत्मा को तुम कहते हैं या ये कहते हैं? बाजू में रखते हैं क्या? वो तो सामने। ये कौन? ब्रह्मा बाबा। शिव बाबा भी कहते हैं बच्चे। आगे तो ये नंबर वन है ना। आगे माने पहले पहले तो ये नंबर वन है ना, क्योंकि यज्ञ के आदि में मैं तो फेल हो गया। ये तो ज्ञान में चालू बना रहा है या नहीं? तो आगे तो ये नंबर वन है ना, चाहे तो इनसे पूछो कि इनका माया कितना सामना करती है। किनका है? अरे ब्रह्मा बाबा का।
तो बाप बताएंगे कभी कभी ऐसे स्वप्न फलाने फलाने ख्याल आते हैं, चार चार पांच पांच घंटा नींद नहीं आती है और न ही याद आती है। देखो बाबा अपना अनुभव भी बताते रहते हैं ना, जागते हो तो फिर बंदर खाते हैं। हाँ ये तो माया का फर्ज है, जरूर हमारे बच्चों को भी ऐसे पछाड़ती होगी। फिर बच्चे लिखते हैं तो बाबा कहते हैं कि तुम पूछो मेरे से तो मैं तुमको सब राय दूंगा, क्योंकि बाबा तो ये कर्म करते हैं ना। कौन कर्म करता है और कौन करता है, है? अरे कर्म करने वाला कौन और करता कौन? कर्म करने वाला बाबा, साकार और निराकार का मिल, और उसमें भी बाबा तो है ही कर्मातीत अवस्था वाला। कौन सा बाबा कर्मातीत अवस्था वाला? है शिव बाबा, क्योंकि बाबा सिखलाते रहते हैं कि फिर क्या करो। ये तो आएंगे कौन है, सपने तुम कितना भी बोलेंगे, जितना रुस्तम बनेंगे इतना तूफान आएंगे। और रुस्तम जो बनेगा वो बताएंगे तो सही ना, कोई भी आकर के मेरे से पूछो मैं बोलूंगा, जो तुमको होता है वो मैं पास करता हूं। किसने बोला है? शिवान बोला, जो तुमको होता है वो मैं पास करता हूं, मैं भी उससे पसार होता हूं। पहले मैं कौन है? ब्रह्मा बाबा, जो कुछ भी तुम्हारे को पूछना है मेरे से आकर पूछो, मैं तो बताने वाला हूं ना। क्या कहा ये, किसने कहा है? पूछना और पूछने का जवाब देना, ये किसका काम? यहां तीन आत्माओं की बात हो रही, एक निराकार शिव और एक मुकर्रर रथ है और एक टेम्पररी रथ। तो जो कुछ भी तुम्हारे से पूछना है मेरे से आकर पूछो, तो मैं बताने वाला हूं ना कौन है। शिव बाप बताने वाला है या राम बाप बताने वाला है या ब्रह्मा बताने वाला है? मैं कोई छिपता नहीं हूं, फिर छिपता कौन है? है यज्ञ के आदि में कौन भाग गया? तो छिप गया ना। मैं प्रश्नों का जवाब देने से भी छिपने वाला नहीं हूं, छिपा कर नहीं रखते हैं, क्योंकि सबको सच बताना तो है ना। अपन को मियां मिट्ठू तो नहीं समझना है,
कि हम कोई परिपूर्ण 16 कला संपूर्ण बन गए। बाबा कहते हैं हम 16 कला संपूर्ण बनेंगे, अरे अभी तो समय है, अभी तो बहुत ग्रहण लगा हुआ है, बहुत ही ऐसे आते हैं जिनका संग रगता है। कितने गंदे गंदे मनुष्य भी आते हैं, कहाँ है यज्ञ में नहीं, ब्रह्मा बाबा के पास, शिव बाबा के पास। यहाँ तो जब समय आ जाएगा तो तुम यहाँ बैठे बैठे पता नहीं कहाँ आप ही उड़ते जाएंगे, फिर वहां से तुमको उतारना पड़ेगा। देखेंगे कि सीट हम जाते हैं, आत्मा को खेच होती है ना, वापस जाना है। तो बहुत है जो जाने के लिए आतुर हैं, कहाँ, अरे परमधाम जाने के लिए बहुत है जो जाने के लिए आतुर हैं, आधा कल्प का थका हुआ, कितने आतुर हैं, जाऊं जाऊं। अरे जाऊं जाऊं तो ठीक, पर लायक बनो तो जाऊं ना। नालायक कैसे पद पा सकेंगे, कोई नालायक महारानी बनेगी क्या? आखानी भी है एक राजा गया, ले आया, उनको कपड़ा पहनाया, वो कपड़ा मुट्ठी को अच्छा भी नहीं लगा, तो राजा को ही तंग कर दिया। तो बोला चलो मैं फिर तुमको तुम्हारे घर में छोड़ आऊं। वो बिचारी गई तो सुखी हो गई। ऐसे यहाँ भी होता है ना, देखो यहाँ बैकुंठ की बादशाही मिल रही है, वो बैकुंठ की बादशाही छोड़ करके फिर वहां जा करके सुख अनुभव करते हैं। यहाँ तो मुझे बहुत सुख है, वहां तो कुछ नहीं है, क्या है वहां? वहां देखो विख तो नंबर वन मिलता है ना, फिर तो क्या, फिर तो विलायत में जाना है, जेवर पहनना है, ये करना है वो करना है। तो देखो इन बातों को वो सुख समझ रहे हैं, ये तो देखते हो ये सब होना है। जरूर होना है, बरोबर जाते हैं, कहाँ है सुख लेने के लिए, कहाँ जाते हैं है? विलायत में, उनसे पूछो
हाँ, कोई वहाँ दुखी होता है या दुखी होती है, बोलती है मैंने नाहक छोड़ा। क्या छोड़ा है? ज्ञान को। तो बाबा कहते हैं, अच्छा तुमने नाक छोड़ा, ऐसा फील करती हो तो फिर भी आ जाओ। कहाँ आ जाओ? ज्ञान में आ जाओ। बाबा थोड़े ही कहते हैं कि नहीं आओ, भले तुमने काला मुंह कर लिया, नाम बदनाम कर दिया, किसका? अच्छा फिर भी कुछ हिम्मत रखो, कुछ सीखो। 1964 की वाणी का छठा पेज चौथी लाइन, बाबा कहते हैं जो अपकार करते हैं उनके ऊपर भी उपकार करो। यहाँ क्या अपकार उपकार की बात हुई है? ये अपकार उपकार की बात कहाँ से उठ खड़ी हुई? अरे अभी बोला ना, बाबा को छोड़ के चले जाते हैं तो लोग तो पूछेंगे ना, तुम्हें तो भगवान मिला था, तुम्हारी तो नई दुनिया आने वाली थी, अब तुम कहाँ बिलाए तुम्हें चले? तो अपकार किया या उपकार किया बाबा के ऊपर? अपकार किया। तो बाबा कहते हैं ऐसे अपकारियों के ऊपर उपकार करो, परंतु समझ रख करके, ऐसे नहीं कि उपकार करे तो फिर और ही आकर के मत्था खराब कर दे। ऐसे भी बहुत हैं जिनके ऊपर उपकार करो तो और ही तंग कर देते हैं। क्योंकि जो गिरे हैं ना, जो गंदे बने हैं, वो गंदपना बड़ा मुश्किल धोया जाता है। तो ये बच्चे समझ गए हैं बरोबर की माया गिराती है। बाबा उठाते रहते हैं, कदम कदम पर उठाते, घड़ी घड़ी उठाते, क्योंकि मंजिल है बड़ी ऊंची और है सारी बुद्धियों की यात्रा। कोई पैदल जाने की तो बात नहीं है, और है भी बड़ी नजदीक है। पुरुषार्थ बहुत टाइम ले लेता है, नजदीक तो ठीक है, एम ऑब्जेक्ट जिसको लक्ष्य कहा जाता है वो लक्ष्य तो बिल्कुल सहज है। लक्ष्य तो कहता है कि तुम 1 सेकंड में जीवन मुक्ति के अधिकारी बन जाते हो, है? लक्ष्य कहता है, क्या है लक्ष्य? है नारायण बनना। वो नारायण जो लक्ष्य है वो कहता है, है? नारायण कहता है, है? अरे अभी नारायण है वर्तमान में या 64 में, तो कहता कहां से है? कि तुम 1 सेकंड में जीवन मुक्ति के अधिकारी बन जाते हो,
जब मर करके एक दफा बाबा कहा, जीते जी मर गए ना, उस दुनिया से मर गए, तो जब जीते जी एक बार मर गए और बाबा कह दिया, तो फिर उस बाबा को भूलते क्यों हो? क्या कहा है? एक सेकंड में जीवन मुक्ति के अधिकारी कौन बन जाते है? थामने से ही, और फिर छोड़ दे तो जीते जी मर करके, सिर्फ थामने की बात नहीं, पुरानी दुनिया से, अपनी देह से, देह के संबंधों से, देह के पदार्थों से मर गए, जैसे पुरानी दुनिया से मर गए, फिर बाबा कहा, तो उसी क्षण एक सेकंड में जीवन मुक्ति बन जाते हो। ऐसी भी कोई आत्मा होती है? है कि पुरानी दुनिया से पूरा मर जाए? और उसी सेकंड मुक्ति, जीवन मुक्ति का अधिकारी बन जाए? अकेला राम बाप अष्टदेव, अद्वैतवाणी में क्या बोला था? बाप दादा चाहे कहां वापस जा सकते हैं, तो परमधाम वापस जा सकते हैं, चले क्यों नहीं जाते हैं? हाँ, क्योंकि बाप का बच्चों से लव होता है, तो बच्चों को जलती हुई काम आग्नि के कुंड में छोड़ करके कैसे चले जाएं? बाबा जिसको कहा जाता है कि बाबा हम आपसे स्वर्ग का वर्षा लेते हैं, हैं? फिर गिरते ही क्यों हो? जब स्वर्ग का वर्षा लिया तो नरक में खोते खाने क्यों चले जाते हो? संभलती क्यों नहीं हो? यानी याद क्यों नहीं करती हो? भूलती क्यों हो? तो भूल जाते हैं सब बाबा को, हैं? सब बाबा को भूल जाते हैं, हैं? बाबा को सब भूल जाते हैं, नहीं भूलते? जिसे लक्ष्य कहा, वो लक्ष्य भूलता है या नहीं भूलता है? भूलना तो उसको भी पड़ता है, माया किसी को नहीं छोड़ती, अच्छे अच्छे बड़े बड़े भूल जाते हैं, फिर देखो उनसे और ही डिसर्विस भी होती है, क्योंकि ये सभी गुप्त है ना, सर्विस भी गुप्त है तो डिसर्विस भी गुप्त है। मनुष्यों विचारों को दुनिया क्या जानती है कि ये क्या कर रहे हैं? ये तो हम बच्चे ही जाने, देख तो बहुत बच्चियां सेंटर में जाती हैं तो सर्विस भी करती हैं, कोई कोई में भूत का प्रवेश होगा, फिर कोई भी काम का, क्रोध का, लोभ का, मोह का, शुद्ध
अशुद्ध सोल का सा बातें हैं। फिर देखो वो कितना नुकसान कर देती है। अशुद्ध सोल भी आती है ना, वो भी नहीं छोड़ती है। अशुद्ध सोल समझते हो ना, भटकी हुई मायावी आत्मा फिर प्रवेश कर लेती है, वो भी बहुत माथा खराब कर देती है और बहुतों में आ जाती है। परंतु सब में तो नहीं कहेंगे ना। सब में क्यों नहीं है? अशुद्ध सोल किस में आएगी? जिसके अशुद्ध संकल्प चलेंगे तो वाइब्रेशन पकड़ लेगी। तो कोई तो ऐसे भी होते होंगे कि बजाय आलतू फालतू संकल्प करने के क्या करें, बाबा को याद करें। तो सब में तो नहीं कहेंगे ना। बहुत ही ध्यान में जाने वाली बच्चियां हैं, बड़ी अच्छी रहती हैं, ध्यान में भी जाती हैं, उनमें ज्ञान भी है, फिर भी ऐसे थोड़े ही कहेंगे कि वो परिपूर्ण हैं। कोई ना कोई फिर खामियां रहती हैं। माया छोड़ती नहीं है, कहां कहां गिराती जरूर है। और बच्चों को बाप को याद करके संभलना है और डर भी खाना है। हम बाबा के हैं, बाबा ने कह दिया कि बच्चे अगर तुमने हमारी श्रीमत पर कोई भी भ्रष्ट काम किया तो फिर तुम्हारा पद भी भ्रष्ट होगा और सजाएं भी बहुत खाएंगे। ऐसे मत समझो कि कोई यहां भी सजा नहीं मिल सकती है। क्या कहा, धर्मराजपुरी में ही जाके सजा मिलेगी? ऐसे कोई जरूरी है? यहां भी सजा मिल सकती है, यहां भी कर्म का कड़ा फल भोग सकते हैं। इसका क्या हिसाब है? है? कोई दुष्कर्मों की सजा धर्मराजपुरी में जाके भोगेंगे, कोई वहां जाने से पहले ही इसी जन्म में इसी शरीर से भोगेंगे। इसका क्या कारण है? है? कहते हैं कर्मों की गतिमति न्यारी। तो क्या कर्मों की गति है जो कोई धर्मराजपुरी में जाके सजा खाएंगे, कोई यहीं खा लेंगे? है? पुण्य की तो यहाँ बात ही नहीं, सजा खाने की बात है। जो कर्म बहुत तेजी से किए जाते हैं उनका फल तुरंत मिलता है, और धीमी गति से किए जाते हैं तो लास्ट में फल मिलेगा। इसलिए यहाँ के लिए या फिर वहां के लिए कर्मातीत अवस्था में रहने का पुरुषार्थ करना है, और बाप के साथ बड़ा सच्चा होकर के रहना है, और हरेक बात में सच्चा रहना है। ऐसे नहीं फिर अरे कि आज छोटी मोटी बातें क्या बताना, तो कोई जरूरी नहीं टाइम वेस्ट करना है। ऐसे चलता है? है? नहीं चलेगा? छोटी बात भी बड़ी हो सकती है,
क्योंकि तुम्हारा सबका ही कनेक्शन शिव बाबा से। ये सभी सेंटर्स शिव बाबा के हैं ना। कोई कह देते हैं ये मेरा सेंटर है, निकलो बाहर। अरे तुम्हारा सेंटर कहां से आया? तुम ही सारा हो शिव बाबा का। तुमने अपना तन मन धन सब कुछ बाबा को दे दिया क्या? जब कहते हो कि बाबा मेरा है और ये बाबा के सेंटर हैं, सभी सेंटरों के ऊपर बाबा का नाम है, कि ये शिव बाबा का विद्यालय है, किसका विश्वविद्यालय? विश्वविद्यालय का तो बाप ही रहता है ना। 1964 की वाणी का 7वां पेज। ईश्वरीय विश्वविद्यालय ये शिव बाबा का विद्यालय है, मेरा है ऐसा कहा तो ये मरा। मर जाता है? नहीं मरता। मेरा विद्यालय है, निकलो बाहर। तो ऐसे कहने वाला मर जाता है? नहीं मरता। बाबा तो कहते हैं मेरा है ऐसा कहा तो ये मरा। यहाँ एडवांस में तो जितने बैठे हैं, मोस्टली बहुतों से कहा क्या है? क्या कहा? ये मेरा सेंटर है, निकलो बाहर। फिर क्या वो मर गए? नहीं मरे हैं? मर गए या जिंदा है? बाप के बच्चे हैं या नहीं है? बाप की नजर में बाप के बच्चे नहीं है, कोई और के बच्चे होंगे। और माने हैं? चंद्रमा के बच्चे होंगे, शुक्राचार्य शुक्र के बच्चे होंगे, कोई और ग्रह के बच्चे होंगे। मेरे बच्चे नहीं, मर गए। शिव बाबा के लिए कह करके फिर कहते हो मेरा है, मेरा मेरा कह करके उसमें भी कितने बच्चे गिर पड़ते हैं। जबकि कहते हैं एवरीथिंग शिव बाबा का। हैं? कहते हैं कोई? सिख तो खास कहते हैं। क्या कुछ नहीं? मेरा सब कुछ तेरा। तो देखो हमारा तन मन धन बाबा सब आपका है। फिर बाबा कहते हैं बच्चे मेरी 21 जन्म की स्वर्ग की राजधानी फिर तुम्हारी है। है? ये किसने कहा? है? शिव बाप ने नहीं? शिव बाबा की राजधानी नहीं है? है? अरे राजधानी जो है वो 21 जन्म की राजधानी शिव बाबा की राजधानी नहीं है। कैसे है? स्थापन किसने की?
या कराई किसने? शिव बाबा ने की कराई करण करावन हारे। तो 21 जन्म की बात साई, स्वर्ग की राजधानी फिर तुम्हारी है मेरी, मेरी 21 जन्म की स्वर्ग की राजधानी फिर तुम्हारी है, ये किसने कहा है? शिव बाप कहेंगे, देखो तुमको कितना एवजा मिलता है, दो मुट्ठी चने की और महल लो, तुम देते क्या हो? इस समय में तुम मरने वाले हो ना, तुम सब मरते हो। जो अच्छे समझू होते हैं मरने के पहले ही उनसे करनी घोर को दान कराए देते हैं। मर गया पीछे दान करेगा तो वो क्या काम का? तो जीते जी असुल रिवाज था कि जब देखते थे कि ये होपलेस केस है तो उसी समय उसकी थाली से निकाल देते थे, भले कोई जी उठे। ऐसे तो जी भी उठते हैं ना, उसी समय में थाली लेकर के उनको सब कुछ कराई देते हैं। तो जीते जी करे ना, पीछे उनको क्या मिलेगा? तो बाप यहाँ कहते हैं, बच्चे जीते जी जो तुम्हारा ठिक्कर ठौर पाई पैसा है सब स्वाहा कर दो। क्या है तुम्हारा? ये शरीर तो देखो, इसमें से कितनी बास आती है, कितनी चत्तियां लगी हुई पड़ी हैं। योग लगाती है वहां तो गंगा में जाते हैं, तो वहां थोड़ा ही कोई ज्ञान रखा है। वो सन्यासी खुद कहते हैं हम शरीर को साफ करने जाते हैं, शुद्ध करते। बाप तो कहते हैं देखो तुम्हारा कैसे शुद्ध होता है, तुम मेरे को याद करते हो तो तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों शुद्ध होते जाते हैं। दोनों इकट्ठे धोते रहते हैं। वो भी शुद्ध होता जाता है तो वो भी शुद्ध होता जाता है। क्या है? आत्मा और शरीर शुद्ध करना है आत्मा को। आत्मा अपवित्र बन गई है ना, तो उसको पवित्र बनाना है। पार्ट बजाते बजाते आत्मा पतित बन गई है, उनको पावन बनाना है। सीधी सीधी बात है। कैसे बनेंगी पावन? मेरे साथ योग रखो। योग नहीं रखेंगे तो गिरेंगे, योग रखेंगे तो चढ़ती कला है, और गिरते रहेंगे तो उतरती कला है। यहां भी तुम अपनी कला को संभालते रहो, अपना चार्ट रखो और अच्छी तरह से सर्विस करो। क्या कहा? चढ़ती कला के लिए क्या करें? हैं?
अच्छी तरह से सर्विस करें, क्योंकि मन मना भव के साथ क्या है, मद्याजी भव, ये निशानी है। जो मन मना भव होगा वो सब कुछ किसके लिए करेगा है, जिसमें दिल या मन लगा हुआ है उसी के लिए सब कुछ करेगा। तो बच्चों को सर्विस का शौक चाहिए। सर्विस के लिए तुम पूछेंगी क्या, बाबा हम सर्विस पर जावे? अरे बुद्धू हो तुम, हम कहेंगे कि नहीं जाओ? तो सर्विस जिंदगी में छोड़ देंगे? तो सर्विस के लिए पूछना चाहिए। फिर क्यों पूछते हो? ये तो तुम्हारा स्वधर्म है। क्या है स्वधर्म है? अरे हमारा स्वधर्म क्या है? याद और सेवा, यही हमारा ब्राह्मणों का स्वधर्म है। जो पूछता है तो बाबा झट समझ जाते हैं कि उनको सर्विस का शौक नहीं है। इसमें पूछने की कोई बात नहीं रहती है। तो सर्विस का भी शौक होना चाहिए हर बात में। पीछे मनसा वाचा कर्मणा, अगर मनसा से याद नहीं कर सकते हैं तो फिर वाचा नहीं कर सकते हैं तो भला कर्मण है। कोई भी सर्विस में लग जाना चाहिए। जब सर्विस का उजूरा मिलेगा कब मिलेगा? जब सेवा करेंगे, नहीं तो थोड़ा ही मिल सकता है। हमारे पास कई अच्छे अच्छे बच्चे हैं, उन बच्चों को देख करके बड़ी खुशी होती है। बस वो आप ही करते रहते हैं। कोई ऐसे हैं कि किनको कहो तो भी कभी नहीं करेंगे। यहां वहां पटाए करके इधर उधर चले जाएंगे। ऐसे भी तो बच्चे हैं ना, अज्ञान काल में भी ऐसे होते हैं। कोई तो माँ बाप के सपूत बच्चे होते हैं, उनको कहो तो झट कहेंगे हाँ माँ, हाँ बाबा, ये ले आए। कोई को कहो तो यहां से निकलेगा और दूसरे दरवाजे से खेलने चला जाएगा। यहां भी तो बाबा के पास हैं, तो जो आप ही करे सो देवता, कहने से करे मनुष्य, और जो कहने से भी न करे उनको क्या कहेंगे? तो बाबा ने समझा दिया, उनको कहेंगे भूख बसर, बसर का भूख जो फेंका जाता है। ऐसा गायन है, बच्चों को तो आप ही सर्विस करनी है। उन्नीस 1964 की वाणी का 8वां पेज।
समझते हम जितनी बाबा की सर्विस करेंगे इतना हमको बहुत कुछ मिलना है, इसमें कोई पूछने की बात नहीं है। जो मिले मनसा सेवा मिले तो मनसा, वाचा है तो वाचा, मनसा सेवा क्या मिले है? अरे मनसा सेवा कोई नहीं मिलती है, क्या मिलती है? विजय माला का आह्वान करो, वो भी मनसा सेवा हो गई। इसमें कर्मेंद्रियों से भागने की तो कोई, भाग दौड़ करने की तो बात ही नहीं, या भाषण करने की कोई बात ही नहीं। वाचा है तो वाचा, कर्मणा है तो कर्मणा, जो कुछ कर सको आप ही करो तो देवता बनेंगे, नहीं तो कितने बच्चों को कहां तक कहते रहेंगे। हरेक को अपना कल्याण आप ही करना है, डायरेक्शन तो मिलते रहते हैं। इसमें कोई भूल चूक होती है या मत्था खराब होता है या कोई राय पूछनी है तो शिव बाबा के अरा ब्रह्मा, बस तुम लिखेंगी और झट चिट्ठी पढ़ेंगी और झट शिव बाबा के ऊपर गया। हम थोड़े ही इंटरफियर करेंगे, किसने बोला है? ब्रह्मा बाबा ने बोला तुम चिट्ठी लिखेंगे शिव बाबा को कि यार आप ब्रह्मा बाबा करके, तो मैं थोड़े ही इंटरफियर करूंगा। ये तो शिव बाबा के नाम पर है, तो शिव बाबा झट आकर के उनको चिट्ठी लिख देंगे, ये करो वो करो। और लिखते तो है ना, शिव बाबा कहते हैं मेरे को हाथ है। अच्छा, शिव बाबा को हाथ है नहीं है? है कौन से हाथ है? हैं? स्थूल हाथ है? बुद्ध रूपी हाथ है, प्रैक्टिकल में हाथ नहीं है, हैं? कैसे? अरे साकार में कौन से हाथ है? रम वाली आत्मा हजार हाथ हो गए हैं? हाँ बोलते हैं, ये शक्तियां है मेरी राइट हैंड और कुमार है लेफ्ट हैंड, मेरे को हाथ है। इस समय में ये किसके हाथ हैं? ये देखो बैठे हुए हैं ना, किसकी तरफ इशारा किया? बैठे हुए कौन है? बच्चे ही बैठे। हाँ पर ऐसे थोड़े ही है कि बैल पर कोई सारा दिन सवारी होगी है? सारा दिन सवारी हो तो बैल की आंखों से पानी आ जावे, तुमने बैल देखा है ना, बहुत मेहनत करता है तो आंखों में जल देखेंगी। घोड़ा गाड़ी जो भी बहुत होते हैं ना तो वो बेचारे थकते होंगे, जैसे कि बेचारे हैरान होते हैं रोते हैं, परंतु इनको तो रोना नहीं है, इनको तो सर्विस करनी है। किनको है? इनको माने किनको? अरे किसकी बात हो रही थी है? बैलों की बात हो रही थी ना, तो इनको रोना नहीं है, इनको माने किनको?
ये एक है क्या? कौन कौन? राम और कृष्ण, ये दोनों बैल है, पुरुष चूल्हा है ना, तो इनको तो रोना नहीं है, सर्विस तो करनी है। बाबा के अर्थ भले आवे, बच्चों को समझावे, तो ये समझा रही है ना। ये कहते हैं ना मामेकम, मुझे अपने बाप को याद करो। अब इसकी आत्मा तो नहीं कहेगी कि मुझे अपने बाप को याद करो, किसकी? ब्रह्मा की आत्मा तो नहीं कहेगी मुझे अपने बाप को याद करो। क्यों नहीं कहेगी? उसमें शिव आते नहीं है क्या? हैं? हाँ, वो माँ का पार्ट है, वर्षा देने वाले बाप का पार्ट नहीं है। बाप कहते हैं इनकी भी आत्मा सुनती है कि मुझे अपने बाप को याद करो, तुम सब भी उनकी याद करो, और जो मैं धारणा कराता हूं वो कोई डिफिकल्ट नहीं है, बिल्कुल ही सहज धारणा है, हरेक मनुष्य समझ सकते हैं। बेहद का बाप है ही नई दुनिया का स्वर्ग बच्चन बनाने वाला। वो है स्वर्ग। तो बाबा जब आते हैं तो बरोबर जरूर स्वर्ग की स्थापना, नरक का विनाश करते हैं। क्या कहा? बाबा के आने का जो खास टाइम है उसकी पहचान क्या बताई है? एक तरफ राजधानी स्थापन होती है और दूसरी तरफ पुरानी दुनिया का विनाश होता है। महाभारत लड़ाई लगी थी ना, तो बरोबर राजयोग सीख रहे थे। तो राजयोग सीखने के लिए फिर अनेक धर्म की सफाई तो चाहिए। क्यों अनेक धर्मों की सफाई? क्यों अनेक धर्म राजयोग नहीं सीख सकते? क्यों है? क्यों नहीं सीख सकते है? कम जन्म लेने से और राजयोग सीखने से क्या कनेक्शन? प्योरिटी का पालन नहीं कर सकते हैं? प्योरिटी का पालन नहीं कर सकते। अच्छा, एडवांस में रुद्रमाला के मन के सब प्योरिटी का पालन करते हैं। वाह भाई वाह। हैं? दूसरे धर्म वाले पतित पावन शिव बाप शिवलिंग को मानते हैं, मानते हैं? वो मानते ही नहीं। जब मानते ही नहीं तो जानते हैं? जानेंगे भी नहीं। जिज्ञासा किनको होगी जानने की है? अरे जिज्ञासा उनको होगी जिसने पहले रसगुल्ला खाया होगा। रसगुल्ला खाया ही नहीं तो रसगुल्ला की जिज्ञासा होगी? होगी नहीं। तो अनेक धर्मों की सफाई चाहिए। कौन कौन से अनेक धर्म है? उनमें सूर्यवंशी चंद्रवंशी नहीं आवेंगे सफाई के लिए है? अरे सूर्यवंशी चंद्रवंशी नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि चंद्रमा को तो सर पे रखते हैं,
तो उसकी सफाई करेंगे? भागो यहां से। जिसको सर माथे पर रखते हैं उसको भगाएंगे नहीं? बाकी और धर्मों की तो सफाई चाहिए ना। बरोबर महाभारी महाभारत लड़ाई में यादव कौरव पांडव क्या करते भाई? यादव मर गए, कौरव मर गए, पांडवों को स्वराज्य मिला। यादवों में कौन कौन? इस्लामी बौद्धी क्रिश्चियन ये क्या है? विदेशी है ना। तो यादव मर गए, कौरव भारतीय है। भारतीय धर्म कौन कौन से हैं? चंद्रवंश, सूर्यवंश, सन्यासी, सिख, ये सब क्या हैं? हैं? भारतीय धर्म है। तो पांडव भारतीय है, पांडवों को स्वराज्य मिला। ये तो बिल्कुल सहज बातें हैं समझने की। क्या क्या बातें बताई? विनाश कौन कौन से, सफाई कौन कौन से धर्मों की होगी? है विदेशियों की सफाई होगी, यादवों की सफाई होगी और कौरवों की सफाई होगी। जो कौरव कांग्रेस का राज्य चल रहा है, कहते हैं हम दिल्ली को स्वर्ग बनाएंगे। उनका गुरु गांधी जी क्या कहता था? हम स्वर्ग बनाएंगे, राम राज्य लाएंगे। तो सब मर गए, कौन बचे? पांडव बचे। और पांडवों में भी कौन कौन? पांच भाई, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। तो पांच जो भारतीय धर्म हैं, उनको इंडिकेट करने वाले ये धर्म वो पांडव दिखाए गए हैं। तो समझने की बात तो सहज है। तो बरोबर बाप जब आते हैं, जबकि महाभारत लड़ाई सामने है, और बैठ करके समझाते हैं कि यादव, ये कौरव, ये पांडव बैठे हैं। अपने को कोई पांडव कहते हैं, बुद्धि में भी नहीं आएगा कि पांडव नाम किसका होता है। तुम पंडे बच्चे जानते हो, और जानते हो कि हमको जाना है वापस। अभी खेल पूरा हुआ, बाबा आया है लेने के लिए, अभी तो हमको बाबा को याद करना है। क्योंकि 63 जन्म के विकर्म बहुत हैं। अगर हम बाबा को याद नहीं करेंगे तो विकर्म छूटेगा नहीं, हम महारानी नहीं बन सकेंगे। बाबा तो कहते हैं चलो हम तुमको महारानी बनावे, राजयोग है, इनको प्रजायोग तो नहीं कहा जाता है, परंतु राजयोग के साथ साथ प्रजा भी होती तो जरूर है। प्रजा का योग नहीं है, योग पूरा न रखे तो प्रजा बन जाती है। देखो ये है राजयोग। बाबा बोलते हैं मैं तुमको महारानी महाराजा ही नाम रखता हूं, छोटा क्यों? सो भी सूर्यवंशी महाराजा महारानी। देखो सभी हाथ उठाते हैं, बाबा हम पूरा वर्षा लेंगे। पूरा वर्षा लेना हो तो अपनी सर्विस का शौक दिखाओ।
बाबा से भले पूछते रहो शिव बाबा क्या रहा ब्रह्मा, चिट्ठी लिखकर पूछो मेरा क्या पद होगा इस समय अगर मैं मर जाऊं तो, बाबा बताए देंगे। वो तो समझ लेना चाहिए, परिपूर्ण तो कोई नहीं बना है और परिपूर्ण तो अंत में बनेंगे। कर्मातीत अवस्था हो तो अंत आएगी। तुम अपनी पूछते हो हैं? क्या कहा? तो क्या समझ लेना चाहिए, बाबा हम क्या पद पाएंगे? तुम अपनी बात पूछते हो तो पूछने वाले को क्या समझ लेना चाहिए? अरे क्या कर्मातीत अवस्था बनी है? पूछने की दरकार ही क्या है जब कर्मातीत अवस्था बनी नहीं है? अपूर्ण तो जरूर हो, तो इसमें पूछने की दरकार ही नहीं रहती है। 1964 की वाणी का 9वां पेज। ओम शांति।